आफताब को श्रद्धा के मर्डर का कोई पछतावा नहीं है। आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट में सब कुछ साफ हो गया। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक उसने कहा है कि श्रद्धा की हत्या के आरोप में उसे फांसी भी हो जाए तो अफसोस नहीं होगा। जन्नत में जाने पर उसे 72 हूर भी मिलेंगी। उसने यह भी बताया कि श्रद्धा से रिश्ते के दौरान उसके 20 से अधिक हिंदू लड़कियों से संबंध रहे हैं। बताइए, हिंदू लड़कियां, प्यार और शादी केवल इसके लिए एक मजाक था। पुलिस को दिए उसके इस बयान से आफताब की कट्टर मानसिकता और उसकी शैतानी सोच सामने आई है। कितना विश्वास था आफताब को 72 हूरों वाली बातों पर। श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। आफताब ने पॉलीग्राफी टेस्ट में माना है कि उसने ही श्रद्धा की हत्या की है, लेकिन आफताब को श्रद्धा की हत्या करने का कोई अफसोस नहीं है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आफताब ने पूछताछ के दौरान कहा कि बंबल ऐप पर वो हिंदू लड़कियों को ढूंढकर अपने जाल में फंसाता था। श्रद्धा की हत्या के बाद वो एक मनोवैज्ञानिक को अपने कमरे पर लाया था, वो भी हिंदू थी। उसे उसने श्रद्धा की अंगूठी तोहफे में देकर अपने जाल में फंसाया था। इसके अलावा भी कुछ अन्य हिंदू लड़कियों के वो संपर्क में था। उसने कहा कि श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के टुकड़े कर फेंकने का उसे जरा भी अफसोस नहीं है। शातिर आफताब जब तक रिमांड पर था वो पुलिस को गुमराह करता रहा। उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं दिखाई दी। पूछताछ खत्म हो जाने पर वो चैन की नींद सोता था। उसने पुलिस से स्पष्ट कहा कि श्रद्धा की हत्या कर उसके टुकड़े करने की उसने मुंबई में ही ठान ली थी। आफताब की ऐसी सोच क्यों थी? आखिर क्या थी उसके कट्टरता के पीछे की वजह? कुछ चीजें इस प्लेटफॉर्म पर बेशक नहीं लिखी जा सकती, लेकिन इसके पीछे की वजह तो साफ समझ में आ रही है। आफताब को क्यों इतना घिनौना कृत्य करते समय डर नहीं लगा? इसके पीछे उसे कहां से ताकत मिली, ये समझना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। पॉलीग्राफी टेस्ट में उसने जो बताया है उससे जांच में काफी मदद मिल रही है। इसके जरिए ही उसके घर से 5 चाकू बरामद किए गए थे। इसके अलावा उम्मीद ये है कि जल्द ही अन्य सबूत भी जुटा लिए जाएंगे। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि सीधा या अच्छा लगने वाला जरूरी नहीं असलियत में भी अच्छा हो। बच्चों को भी लोगों को समझने और पहचानने में सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही में बच्चों को भी बड़ों के अनुभव का अपनी लाइफ में उपयोग करना चाहिए और बड़ों को भी अपने बच्चों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो रखनी ही चाहिए। आप देख रहे हैं N27 News, पकड़ हर खबर पर।